दोस्तों आज हम समझेंगे व्हाट इज एटॉपिक डर्मेटाइटिस, इसके कारण क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। व्हाट इज एटॉपिक डर्मेटाइटिस? एटॉपिक का मतलब है वो डिजीजेस जो हेरिडिटरी हैं और फैमिलीज में रन करते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को एडी भी बोलते हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक स्किन डिजीज है जिसमें सीवियर इचिंग, रेडनेस, स्केलिंग और एस्कोरिएशन हो जाती है। एस्कोरिएशन का मतलब है स्किन का छिल जाना। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में पेशेंट बहुत सारी चीजों से एलर्जिक हो जाता है और इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस छोटे बच्चों में स्कैल, नेक, फेस, आर्म्स और लेग्स को अफेक्ट करता है। बड़े बच्चों और एडल्ट्स में एटॉपिक डर्मेटाइटिस की लोकेशन जनरली नेक इंसटेड ऑफ एल्बोज और बैक ऑफ नीज रहती है। पेशेंट जितनी इचिंग करता है उसका एटॉपिक डर्मेटाइटिस उतना बढ़ता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज जनरली ऑल्टरनेट्स विद अदर एलर्जिक डिसऑर्डर्स लाइक एस्मा। एटॉपिक डर्मेटाइटिस कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। कॉजेज ऑफ एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस का एग्जैक्ट कॉज अननोन है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। स्ट्रेस एटॉपिक डर्मेटाइटिस को वर्स करता है पर वो इसका कॉज नहीं है। सिम्टम्स ऑफ एटॉपिक डर्मेटाइटिस। छोटे बच्चों में लीजन्स रेड, स्केली, ऊजी, क्रस्टी रहते हैं। इनकी लोकेशन रहती है स्कैल, फेस, नेक, आर्म्स एंड लेग्स। बड़े बच्चों में लीजन्स ड्राई, थिक, स्केली और इची रहते हैं। इनकी लोकेशन रहती है नेक और इनसाइड ऑफ एल्बोज एंड बैक ऑफ नीज। एडल्ट्स में लेजन्स थिक, लेदरी और डल लुकिंग होते हैं। इनकी लोकेशन रहती है फेस, नेक, हैंड्स, फीट, फिंगर्स एंड टोज। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को मैं होम्योपैथी से कैसे ठीक करता हूं इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। डोंट स्टार्ट एटॉपिक डर्मेटाइटिस होम्योपैथी ट्रीटमेंट अंटिल यू वॉच दिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस की होम रेमेडीज के बारे में जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, टॉप 12 होम रेमेडीज फॉर एटॉपिक डर्मेटाइटिस। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।